जी को खुदा। वरकातहू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और निकल रहे हम लोग यहाँ से। अभी जी के कपड़े टांगने हैं, बोल कर गए हैं टांग देना मेरे कपड़े उठाकर। तो रख दू, हाँ लाइट ऑफ कर दो, चाबी उठा लेना, साफ कर लो। तो कह रहे दोनों जने लग जाओ साफ करने में, बस यही ड्यूटी रह गई है हमारी, गाड़ी साफ करें और फिर जाए हम यहाँ से। गेट खोलते हैं और अपना ये पर्दा हटाते हैं। पर्दा नशी, पर्दा हटाओ। गेट खोलते हैं, चलो चलिए जनाब। ये देखें हमारे यहाँ के मौसम का कुछ हाल इस तरह का हो रखा है और हमारे हबी जी गाड़ी चला रहे हैं। हबी दिख रहा है जी, हबी जी यहाँ पर लगा हुआ है जाम। हम जब भी आगरा आते ना हमें जाम जरूर मिलता है। तो अभी आ गए हम देवपुरी बाबा पर। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, कोहरा कोहरा। अभी आ चुके हम लोग धौलपुर, तो पहले जाएंगे सैयदना के मजार पर, फिर वहां से आने के बाद हम बाबा के मजार पर जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको भी ज़ियारत कराएंगे और हम भी करेंगे। तो बस फिलहाल अभी किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। अगर आशिक ना होगा हुस्न प्यारा कौन देखेगा। यही बात है, हाँ जी हाँ। अगर आसिफ साहब नहीं होंगे, यही बात है, बहुत अच्छे। अगर आशिक ना होगा हुस्न प्यारा कौन देखेगा। आ गए हैं, जियारत करेंगे, फातिहा लगवाएंगे और उसके बाद कलाम पाक देखूंगी मैं। पहले मैं फातिहा लगवा ली। करामात यहाँ पर कुछ इस तरीके के करिश्मे होते हैं। ये हाजरी वाले लोग हैं, हाजरी भर रहे हैं और मैं जा रही हूँ फातिहा का सामान देने के। हमारी तरफ से फातिहा लग जाएगी और पेश कर दिया जाएगा। मैं टिकट आया हूँ।
ये वाला कलाम पाक मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, देखते हैं। और अभी तो गाइज यहाँ से मैंने देख लिया है, यहाँ पे थोड़ा सिंपल है, मतलब कि डिजाइन अच्छा है, लेकिन जो मैंने अंदर देखे थे ना मजार पर, वो डिजाइन नहीं है। तो मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ कि जो मैंने और भी अच्छा दिखा था, अगर वो मिल जाएगा तो उसे ट्राई कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी दिख रहा है हमें, तो यहाँ भी देखेंगे और अंदर मजार पर भी देखेंगे। तो चलिए अभी एक ये है और एक ये भैया ओपन कर रहे हैं, इसे भी देख लेते हैं। ये अलग बता रहे हैं, ये वाला ओरिजिनल बता रहे हैं और ये डुप्लीकेट बता रहे हैं। तो अभी मैं देख लूंगी कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, वही मैं परचेज करूंगी। देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा, ये सामने लॉक दिया हुआ है। ये देखो ऊपर, देखिए ऊपर से कुछ इस तरह से दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, पर जो डिजाइन मैंने देखा है वो नहीं है ये। है ना साहब? तो अभी हमने कलाम पाक तो पैक करवा लिया है भैया से, जानमाज भी लेनी है मुझे, तो मैं जानमाज और चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ। एक ये कलर भी है और मैंने रेड वाला रखवा लिया है, लेकिन लास्ट में मुझे ये भी दिख रही थी तो मैंने ये भी देख लिया है। तो ये ज्यादा खास नहीं लग रहा है, मेरी तो गाड़ी रेड पर ही आके लटक जाती है, तो मैंने रेड वाला पसंद कर लिया है। ये भैया ने पैक कर दिया, ये वाला खोलना भैया, रेड वाला। ओ इसी का दूसरा पीस लिया है, तो ये रेड कलर है, तो मुझे रेड ज्यादा पसंद आया है तो वो ले लिया मैंने, पैक करवा लिया है। तो बस अभी हम निकल रहे हैं। हाँ तो गाइज अभी हम यहाँ से ले रहे हैं हमारे रेहान फरहान के लिए हलवा पराठा, और मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर अंकल ने मुझे टेस्ट करवाया है, मुझे पता नहीं था इसका टेस्ट कैसा होता है, तो मैंने खाया, बहुत ही ज्यादा लाजवाब लग रहा है। तो बच्चों के लिए अभी पैक करवा लिया है और यहाँ से निकल रहे हैं हम। चले अस्सलाम वालेकुम अंकल। तो ले ली है हमने जानमाज भी ले ली और कलाम पाक भी ले लिया है और हलवा पराठा ले लिया। हलवा पराठा खाया भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था, तो मैंने बच्चों के लिए ले लिया है। पिछली बार जब हम आए थे ना, तो मुझे बहुत ज्यादा ऑयली लग रहा था, तो हम लोगों ने लिया नहीं था। और घर गए तो रेहान कहने लगे, मम्मी बहुत ज्यादा फेमस है, आप लेकर क्यों नहीं आई हो। तो अभी मैंने ले लिया है और जियारत भी कर ली और फातिहा भी दिलवा दी है। तो बस अभी मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ कार पर। तो ये मैंने कलाम पाक जो लिया है ना, वो मेरी भांजी के लिए लिया है, मेरी बहन के बेटे की शादी है 13 फरवरी की, तो वहीं जाएगा ये। तो फिलहाल अभी चलते हैं घर वापस, अभी जी के कॉल आ रहे हैं कि कहाँ रह गई मैडम साहिबा, जल्दी से आ जाए, सर्दी हो रही है, घर भी जाना है हमें वापस। तो फिलहाल स्पेशली मैं जानमाज और कलाम पाक के लिए ही आई थी, और थोड़ा सा मुझे काम भी था आगरा का, तो इसलिए मैं आई थी। और यहाँ पर चल रहा था प्रोग्राम, देखिए जब आए थे उस टाइम पर यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, अभी वो हो गया है। और चलते चलते आपसे बात कर रही हूँ, हाथ में कलाम पाक भी है और अपना वीडियो भी शूट कर रही हूँ। बस आगे हैं हम कार के पास। जब भी हम आगरा आते हैं ना, तो इस तरह से ट्रैफिक में फंस जाते हैं। देखिए कितना ज्यादा लंबा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है देखिए। और बस ऐसे ही ट्रैफिक में फंसते फंसाते निकलते हैं हम मुरैना के लिए, तो हो जाते हैं लेट। मैं कह रही थी हमारे हवी जी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है। बड़ा निखार आ रहा है, ग्लो आ रहा है चेहरे पे, सर्दी का निखार है। रेड रेड लाइट कहां से आ रही है? देखें फिर से ट्रैफिक है। गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ राई मंडी, जो कि यहाँ पर है पर्स की शॉप, यहाँ से मुझे पर्स लेना है मम्मी के लिए, और काफी अच्छी मार्केट है ये, बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा है यहाँ पर। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी यूनिक चीजें मिल रही हैं, जो कि है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूनिक चीजें मिलती है। और देखिए आप कितने प्यारे प्यारे इयररिंग्स है, तो देखते ही मेरा तो मन ना ऐसा लग रहा है कि बस सारी चीजें ले लें। तो देखते हैं अभी यहाँ से क्या शॉपिंग करते हैं। और देखिए कितने ज्यादा खूबसूरत कंगन है, जिन्हें लेने का ना मैं काफी टाइम से सोच रही थी, तो देखते हैं अभी मैं लूंगी, पहले मैं यहाँ से देख रही हूँ। देखिए यहाँ
यहाँ पर ये पर्स की शॉप है जो हमें मेन रोड से बस थोड़ा सा ही अंदर आएंगे हम और हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है, ये सारी पर्स वगैरह क्लच वगैरह है। तो और ये पूरा अंदर जाकर मार्केट है, अभी और अंदर भी हम जाएंगे। और यहाँ पर ये पूरा ज्वेलरी शॉप है, ये देखिए आगे फ्रंट पे भी कुछ लोग खड़े हैं ज्वेलरी वगैरह लेकर, और यहाँ पर भी है। तो मैं यहाँ से जो भी शॉपिंग करूँगी ना वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, और अगर आप यहाँ से कुछ परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर ब्लॉग बनाती हूँ। हाँ हाँ, आपका यूट्यूब चैनल नाम क्या है? मेरा शाहीन के किचन एंड ब्लॉग्स, किचन ब्लॉग्स। हाँ ओके, मैं सब्सक्राइब करूँगा। हाँ ओके, तो यहाँ का ये देखिए पूरा मार्केट है। यहाँ पर एक भैया ऐसे हमें वीडियो बनाते देख रहे थे तो वो आ गए और पूछने लगे कि आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिलहाल चलिए अभी अपन अंदर चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ की क्वालिटी पर्स की कैसी है। लोग आ चुके हैं, सारी ये सैंडल्स वगैरह की शॉप पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा यूनिक प्यारे प्यारे डिजाइन हैं, जिसमें से मुझे एक पसंद आ गई है और मैंने पैक भी करवा ली है। तो बस अभी यहाँ से मैंने सैंडल्स ले लिए हैं, मम्मी का पर्स भी ले लिया है। देखिए ये वाला मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, मैंने पहन कर देखा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ इसे खरीदने से, तो मैंने ये वाली रखवा ली है। मुझे भी जरूरत तो नहीं है चप्पल की, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है। तो रख दीजिए आप ये वाले, रख दीजिए अंकल। तो गाइज मैंने सैंडल्स ले ली है, पर्स ले लिए हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली है। बहुत ही अच्छा मार्केट है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं और यहाँ से चीजें परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सामान है, और जो मैंने चप्पल ली है तो वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई, वो मैंने आपको दिखाई भी थी। और पर्स भी बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे हैं, हर तरह की वैरायटी है यहाँ पर, जैसा आपको पसंद आए वैसा आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे हैवी वर्क ड्रेसेस हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए आप सारे, ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस हैं। ये येलो कलर है, ये देखिए काफी बड़ा शोरूम है, बहुत ही हैवी हैवी ड्रेसेस हैं यहाँ पर। लहंगे के जो डिजाइन है ना वो बहुत ही ज्यादा यूनिक एंटिक हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। शेरवानियां भी हैं, लहंगे भी हैं, देखिए आप देख ही सकते हैं। ये देखें साड़ियां भी हैं। तो अभी मैं काफी अंदर आ चुकी हूँ और जो भी मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है और आप लोगों को भी दिखा दिया है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से वापस निकल रही हूँ। ये सारे कर्टन लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो गाइज हो गई सारी हमारी शॉपिंग और दिखा दिया मैंने आपको कैसी है यहाँ का राजा मंडी का मार्केट। तो बस अभी चलते हैं हम वापस अपने घर मुरैना, बच्चे वेट कर रहे हैं और हबी जी भी हमारा वेट कर रहे हैं। कब आएगी मैडम साहिबा हमारी, ये देखें अभी जी को मैं वेट ही करवाती रहती हूँ हर वक्त, है ना, क्यों वेट करवाती हूँ ना, बोलो तो। अरे बोलना मना है क्या? अरे बोलो ना, हाँ ना कुछ तो बोलो, वेट करवाती हूँ नहीं करवाती ये तो बता दो। क्या बोलू, हाँ बहुत सारा वेट करवाई। ये देखें बड़ी सिटी बड़ा ट्रैफिक ना? ये देखें आज मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हम जब आगरा आते हैं ना तो कितना ज्यादा ट्रैफिक में फंसते हैं। देखिए अभी फिर से हमें ट्रैफिक मिल गया है और जहां जहां आता जाएगा ना मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। बहुत बहुत ही ज्यादा स्लो चलानी पड़ती है यहाँ पर गाड़ी, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ही लंबा। देखिए आप खुद देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक लंबा ट्रैफिक है, ज्यादा स्लो स्लो गाड़ी निकालनी पड़ती है। देखिए हर जगह पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो सिटी को क्रॉस करने में ही हमें करीब एक से डेढ़ घंटा लग जाता है, सिटी क्रॉस करने में ही बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है यहाँ पर। तो आ चुके हैं हम लोग, चलते हैं अंदर और जो भी कुछ शॉपिंग की है दिखाऊंगी अभी आपको, अभी तो नहीं दिखाऊंगी लेट बहुत हो गया है, 10-11 बजे का टाइम हो गया है समथिंग, सुबह दिखाऊंगी आप लोगों को। तो फिलहाल अभी चलते हैं, बहुत ज्यादा थकान हो गई है, बहुत ज्यादा थक कर आए हैं हम।